एंड वेलकम बैक टू फिल्म स्ट्रीट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो हमारी YouTube वीडियोस पर रिएक्ट करते हैं, यानी कि कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डालते रहते हैं, तो आज उन्हीं क्वेरीज में से हम उस पर एक वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे व्यूअर की एक क्वेरी थी कि व्हाट इज एन एक्सचेंज वेयर यू कैन बाय क्रिप्टो करेंसीज। तो इस क्वेश्चन का, इस क्वेरी का आज हम आंसर देंगे इस वीडियो में। सो कीप ऑन वॉचिंग टिल दी एंड। आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि जान सके कि क्या एक्सचेंज जहां पर हम क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर सकते हैं उसी को कहते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जी हाँ बिल्कुल, आप जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, अगर कोई क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप एक्सचेंज पर कर सकते हैं। पर आप कोई भी क्रिप्टो बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए पहले समझते हैं कि एक्सचेंज होता क्या है, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आखिर है क्या। तो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वो है जहाँ पर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी, यानी कि कोई भी क्रिप्टो जो आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, आप उस पर आराम से जाकर, जो कि बहुत कॉमन मेथड है कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाय एंड सेल करने का, तो आप उस प्लेटफॉर्म पर जाकर कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब ऐसे ये जो एक्सचेंज होते हैं उसमें हमारे पास दो तरह से आ जाता है, यानी कि दो तरह के प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक सेंट्रलाइज है, दूसरा डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज की अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइज, इसको हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि वो सेंट्रलाइज है, यानी कि उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। वो कैसे है? वो ऐसे है कि, यानी कि वो एक किसी एडमिन, यानी किसी पर्टिकुलर पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया है, यानी कि वो एक ऐप का, उस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का कोई ओनर है, एडमिन है। तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें फीचर्स होते हैं, यानी कि वो पूरे उसमें सॉफ्टवेयर को जो डिवेलप होता है, वो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल या जो भी हैं वो कर रहे होते हैं। बट अगर हम एज कम्पेयर टू डिसेंट्रलाइज की बात करें, तो डिसेंट्रलाइज में किसी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू रन होता है। उसकी एप्लीकेशन जो होती है, आप उसमें डायरेक्टली अपनी प्राइवेट कीज फंड रख सकते हैं, उसमें कोई भी, उसमें सिर्फ आप हैं और आपकी क्रिप्टो करेंसी है, दैट्स इट। अब हम सेंट्रलाइज की अगर बात करते हैं, सबसे पहले तो सेंट्रलाइज, जैसे हमने जाना कि वो सेंट्रलाइज होता है, यानी कि वो किसी और के द्वारा बनाया गया हुआ एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप इजीली कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय एंड सेल कर सकते हैं। जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होते हैं वो बिगिनर फ्रेंडली कहे जाते हैं, बिकॉज आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं वहाँ पे और आपको बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है, यानी कि आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो बैंकिंग ऑनलाइन ऐप की तरह लगते हैं, जहाँ पर आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके कभी भी बाय एंड सेल जब आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे, आपको KYC कुछ डिफरेंट, तो हर एक एक्सचेंज में अलग अलग मेथड्स है। जैसे कईयों में आपको KYC कंप्लीट करना पड़ता है, तब तक आप उसे यूज़ नहीं कर सकते उस प्लेटफॉर्म को, तो और कईयों में नहीं भी होता है। हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने KYC कंप्लीट करना होता है, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी जो भी रिक्वायर्ड है उस एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, तो आप वो करते हैं। एंड देन आफ्टर ऑल यू आर रेडी टू यूज़ दैट प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली। आप वहाँ पर कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। एंड द वन मोर थिंग इन इट कि हर एक एक्सचेंज की अपनी अलाउंस होती है, यानी कि वो कितने डिजिटल एसेट अलाउ करता है अपने प्लेटफॉर्म पर, कितनी क्रिप्टो करेंसीज अलो करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कौन सी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है और उसके लिए कौन सा एक्सचेंज सबसे बेस्ट रहेगा। आपको सेंट्रलाइज में एक और बेनिफिट ये आ जाता है कि अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, इन सब की, तो उसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मिलती है, बिकॉज वहाँ पर रोज़ाना कुछ ना कुछ फीचर्स अपडेट होते हैं मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज में, तो वहाँ पे एक आपको सिक्योरिटी अश्योरेंस मिल जाती है। हालांकि अगर बात करें डिसेंट्रलाइज की, तो डिसेंट्रलाइज में आपकी प्राइवेट कीज आपके पास होती है, आप खुद ओनर होते हो, सो आपको ही अपनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आपको ही पता है कि आपको कैसे रन करना है अपना खुद का वॉलेट। तो हम सेंट्रलाइज की बात कर रहे थे, तो सेंट्रलाइज में हमने ये जाना कि उसमें हम अपना अकाउंट बनाते हैं, उसमें हमारे साथ साथ कोई और भी ऑन करता है। बट अगर हम कुछ डिसएडवांटेजेस, अब देखिए कोई भी चीज़ है उसके एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो सेंट्रलाइज की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी ये है कि उसमें प्राइवेट कीज कंप्लीटली आपके पास नहीं होती, यानी कि आपके फंड्स पे, आपके क्रिप्टोस पे किसी और का असेस भी होता है। बट दैट ऑल्सो वेरी, आप एक्सचेंज पर डिपेंड करता है कि कई ऐसे भी होते हैं जो रिलायबल नहीं होते हैं, आपको इसलिए थोड़े एक्सचेंज भी ध्यान से चूज़ करने चाहिए। जैसे कि मोस्ट ऑफ द फेमस, अगर हम क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में बात करें, तो बिनेंस, कॉइनबेस, ये सब काफ़ी पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप इनका ध्यान देकर कि आप कौन सा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप इजीली कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय एंड सेल कर सकते हैं।
वहीं अगर दूसरी ओर डिसेंट्रलाइज की बात करें, जैसे कि हमने जिसे जाना कि हमारी प्राइवेट कीज हमारे पास होती हैं, हम खुद ऑन करते हैं, हम सब कुछ खुद करते हैं, उसमें एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि अगर आप उनमें से है कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयर नहीं करनी है बट स्टिल आपको कोई भी क्रिप्टो बाय करनी है या सेल करनी है, तो आप इजीली डेक्सेस यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको KYC करने की कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर आप खुद ऑनर हैं अपनी चीज़ों के, यानी कि आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। बट जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, वो यूजली कहा जाता है कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, या उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि कैसे चीज़ों को जो है यूज़ करना है, कैसे अपने क्रिप्टो को बाय सेल करना है। बिकॉज जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा न्यू होता है, तो उनके लिए सेंट्रलाइज ज़्यादा बेहतर कहा जाता है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। वी आर जस्ट गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जो आपकी क्वेरी थी कि एक्सचेंज वो है जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, आप क्रिप्टो एक्सचेंज पर बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, इवन आप बहुत सारी और ऐसे फीचर्स हैं जो आप उस पर कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन द एक्सचेंज ऑल्सो कि आप कौन सा एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं। अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर जैसे कि यूनिस्वैप हो गया, पैनकेकस्वैप हो गया, ये कुछ फेमस डिसेंट्रलाइज ऐप्स हैं। तो आप बाइंग एंड सेलिंग के अलावा स्टेकिंग, लैंडिंग एंड बोरोइंग भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको अपनी क्वेरी का आंसर मिल गया होगा कि वॉट इज एन एक्सचेंज एंड वेयर यू कैन बाय क्रिप्टो करेंसीज। सो येस, यू कैन बाय क्रिप्टो करेंसीज एंड इवन दो यू कैन सेल दैम टू। सो ऐसी अगर आपकी और क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमें अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। एंड ऐसी और क्रिप्टो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए एंड क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट्स के लिए जुड़े रहें फिनस्ट्रीट के साथ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब हम कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।